हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कावासाकी 175 सीसी मोटरसाइकिल के बारे में, जो कि इंडिया के अंदर जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो कावासाकी W175 मोटरसाइकिल है वो एशियन मार्केट के अंदर ऑलरेडी सेल आउट हो रही है। और फ्रेंड्स, ये मोस्ट अफोर्डेबल रेट्रो स्टाइल क्लासिक मोटरसाइकिल है वो इंडिया के अंदर भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये मोटरसाइकिल हमें इंडिया के अंदर 2021 में देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, ये मोटरसाइकिल हमें इंडिया के अंदर जनवरी से लेकर अप्रैल में ही देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो फ्रेंड इसका एक्सेप्टेड प्राइस हमें 1.25 लाख रुपीज़ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इस बाइक की स्टाइलिंग के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें प्योर क्लासिक रेट्रो स्टाइल देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें राउंड हेडलैम्प, स्पोक व्हील्स, ट्यूब टायर्स विद पी शूटर मफलर देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें कन्वेंशनल राउंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि हमें ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर के साथ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल के रियर के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें सिमिलर टर्न इंडिकेटर्स विद स्क्वेड ऑफ टेल लाइट देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड, इसके अंदर हमें वेरी नीट एंड सिंपल ब्लैकआउट कॉम्पोनेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि हमें इंजन पे देखने को मिलने वाले हैं। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें टेल पाइप एंड सस्पेंशन स्प्रिंग्स देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें सिंगल पीस सीट विद इजी कॉन्टोर्स एंड गुड कुशनिंग देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इस बाइक के वेट के बारे में, तो फ्रेंड इसका वेट हमें 126 kg देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, सब मैं बात करने वाली इस मोटरसाइकिल के इंजन के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 177 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल SOHC मोटर देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें 13 BHP के पावर आउटपुट के साथ और 13.2 Nm के पीक टॉर्क के साथ देखने को मिलने वाली है। जबकि फ्रेंड, ये इंटरनेशनल मार्केट में हमें कार्बोरेट फॉर्म में देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, इस मोटरसाइकिल के अंदर हमें 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें हेल्प रिड्यूस वाइब्रेशन के साथ देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ इसके डायनेमिक्स के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें सेमी डबल क्रेडर फ्रेम विद सिंपल बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसके फ्रंट में हमें टेलीस्कोपी फ्रॉक्स और रियर में हमें ट्विन शॉक सेटअप देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग सेटअप के बारे में, तो फ्रेंड इसके फ्रंट में हमें 220 mm की डिस्क ब्रेक्स और रियर में हमें 110 mm की ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलने वाली है। और फ्रेंड, इसी के साथ साथ हमें इसके अंदर ABS एज अ स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें सिंगल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है। तो फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इस मोटरसाइकिल की प्राइसिंग के बारे में, तो फ्रेंड इसका प्राइस हमें इंडिया के अंदर एक्सेप्टेड 1.20 से लेके 1.40 लाख रुपीज़ तक देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इंडिया के अंदर इस मोटरसाइकिल की राइवल के बारे में, तो फ्रेंड इंडिया के अंदर इसकी राइवल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जावा एंड होंडा HNSCB 350 के साथ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।